ओके अच्छा जी, सबकी अब एक एक आदत होती है। किसी को खाना खाते ही चाय चाहिए, किसी को 4 से 5 घंटे के बीच में चाहिए। सबका अलग अलग टाइम बनाए रहते हैं चाय का ना, तो क्या कर सकते हो। लेकिन हमारी आदत नहीं है जी चाय पीने की, हमें चाय सूट नहीं करती, मुझे चाय पीना भी अच्छा नहीं लगता। सबको चाय पी के सर दर्द जाता है ना, तो मुझे चाय पीने से आ जाता है। मैं ऐसी हूँ। तो मैं चाय नहीं पीती। हमारे यहाँ मेरी मम्मी पापा सभी इतने बजे, ठीक यहाँ पर टाइम हो रहा है 4:50, तो इतने बजे चाय पीते हैं वो शाम के टाइम। वैसे सबका अपना अपना एक टाइम बनाया होता है। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं मेरे हस्बैंड जैसे, जब भी दो पी लेंगे। दिन में 10 बार 20 बार भी दो ना उन्हें कम है, चाय इतनी सी पियेंगे, इतनी सी पियेंगे कप में, लेकिन चाय चाहिए। रात के सोते वक्त भी उठा के लो चाय पी लो ऐसे दो ना, तो पी लेते हैं। तो इतने भी शौकीन होते हैं चाय के। आप जब तक मुझे इंग्लिश में टाइप नहीं करोगे, मैं आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे आता ही नहीं, तो मैं क्या बोलूँ आपसे। इसीलिए प्लीज़ इंग्लिश में टाइप कीजिएगा, ठीक है। तो चले, खड़खड़ के पाँव में दर्द हो रहा है, तो यहाँ सीढ़ी पे बैठ के बातें करती हूँ आपसे। और बोलिए जी, क्या हाल चाल आपका। मैं सिर्फ 2 बार, एक सुबह और एक शाम। जी बिल्कुल, एक एक लोग ऐसे सुबह एक बार नाश्ते के बाद या सुबह मॉर्निंग उठते ही एक बार पीते हैं, एक बार इतने टाइम में पीते हैं। बोला ना, सबका अलग अलग टाइमिंग होता है। कोई ज़्यादा शौकीन होता है, कोई मेरे जैसे चाय ही पसंद नहीं होती, ठीक है। बहुत अलग अलग अतरंगी लोग, बहुत ही डिफरेंट और अतरंगी लोग रहते हैं ना दुनिया में बहुत से। तो क्या करें। और सुनाए, और क्या हाल चाल आपका। अच्छा ऐसा बोलो, शेख ये ठीक लिख रहे हो, ऐसा बोल रहे आप। क्या से स्टार्ट करूं। शाम में 5 बजे के बाद। अच्छा आप चाय पीते हो शेख, अभी मेरा आपका कमेंट समझ में आया मेरे भाई। अच्छा जी, आपकी ये आदत है। अच्छा आपसे कितनी दूर। क्या बोनगा, आपसे कितनी दूर है बहन। मतलब मुंगा बोले तो क्या है, समझ नहीं आया मुझे। एक टैबलेट खींचने में शेख। मेरा नाम अयान है, माशाल्लाह जी बड़ा प्यारा नाम है अयान। अच्छा है अयान, ओके मैं आपको